प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों देखो, क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। उसका क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले बेटा मैंने इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बेटा अपलोड कर चुका हूँ। उसको भी वहाँ जाके बेटा आप लोग नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो बेटा क्या कह रहा है कि देखिए, आपका यहाँ पर दो आपके कंडक्टर है ना, ये बेटा आपका फर्स्ट कंडक्टर है और ये बेटा आपका सेकंड कंडक्टर है। और बेटा क्या कह रहा है कि दोनों बेटा सेम मटेरियल है, मतलब बेटा दोनों की रेजिस्टिविटी बेटा क्या आपकी सेम है। अगर दोनों सेम मटेरियल्स हैं बेटा आपका, मतलब सपोज अगर कॉपर वायर का बना हुआ है तो बेटा ये भी क्या होगा आपका कॉपर होगा, रेजिस्टिविटी सेम है। फिर बेटा क्या कह रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, मतलब क्या सेम है बेटा इनका, इनकी जो लेंथ है बेटा वो भी सेम है। मतलब अगर इसकी लेंथ एल है तो बेटा इसकी लेंथ भी क्या होगी एल होगी। और बेटा क्या कह रहा है, जो डायमीटर है बेटा वो भी सेम है, मतलब डायमीटर मींस जो उसका एरिया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज ये कंडक्टर आपका इस टाइप से है तो जो बेटा इसकी जो एल है ना, और ये क्या है बेटा इसकी ए है। तो बेटा इसमें दोनों केस में बेटा उसकी ए की बेटा वैल्यू यहाँ पर क्या है इक्वल है। तो प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो जब बेटा दोनों केस में आपका रो भी इक्वल है, आपका L भी इक्वल है और बेटा आपका A भी इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों केस में बेटा दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा क्या होगा आपका इक्वल होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ वायर बेटा क्या होगी आपकी सेम होगी। अब बेटा क्या कह रहा है कि पहले तो इनको सीरीज में कनेक्ट करो, और बेटा फिर किस में कनेक्ट करो इनको, इनको कनेक्ट बेटा आप करो उसमें आपका पैरेलल में। तो मतलब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो इनका टोटल इक्वल रेजिस्टेंस आता है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, और बेटा जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो डैट केस में बेटा आपका कितना ही आपका हीट आपका प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो बेटा हमको ये निकालना है इस केस में। चलिए तो बेटा इसको निकालते हैं हम लोग कि बेटा पहले निकालते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, है ना। सीरीज तो सीरीज में बेटा जब हम दोनों रेजिस्टेंस को आपको जोड़ रहे हैं तो ये बेटा क्या देखो आपका ये आर है, ये आपका आर है। तो डैट केस में बेटा इनका इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा आपका, आर एस कर दो आर प्लस आर, इट मीन्स टू आर बेटा क्या बनेगा इसका, टू आर बनेगा। अच्छा अगर दोनों को बेटा मैं क्या, चलो पहले इस केस में इसको सॉल्व कर लिया हमने, अब ऐसे बेटा यहाँ पर करो आपका पैरेलल में, पैरेलल के केस में। तो पैरेलल के केस में बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका, अब की बार बेटा क्या होगा देखो आपका, ये बेटा आपका ऐसे कनेक्ट होगा, है ना। तो ये बेटा अगर आपका आर है, ये आपका आर है, तो डैट केस में बेटा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर। तो बेटा कितना इसका एलसीएम आएगा आपका, आर इसका एलसीएम आएगा तो बेटा आपका हो जाएगा टू। तो यहाँ से बेटा आपकी आर पी की वैल्यू आपकी आ गई आर बाय टू। यहाँ बेटा कितना आपका आया था, आर एस आपका टू आर आया था, यहाँ बेटा आपका आर पी कितना आ गया आर बाय टू आ गया। अब बेटा दोनों केस में हमको क्या निकालना है, हीट निकालना है। तो बेटा अगर दोनों कनेक्शन बेटा किससे आपके कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है बेटा, मतलब दोनों केस में आपकी वी की वैल्यू कितनी है सेम है। तो आपका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एस और इंटू टी। तो ये बेटा क्या बन गया आपका, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बन गया, है ना, एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी। और सिमिलरली बेटा पैरेलल केस में बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई। अब बेटा क्या कह रहा है कि आपको हीटिंग इफेक्ट का आपको रेशियो निकालना है एच एस अपॉन आर पी का। बेटा क्या निकालना है आपको, एच एस अपॉन आर पी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ आपका, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ से बेटा बताइए कि वाट इज रेशियो ऑफ एच पी एच एस अपॉन एच पी। तो बेटा देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच एस, बेटा आपका है वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। तो टी से टी गया बेटा आपका, वी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बेटा क्या बचा आपका, वन अपॉन आर एस अपॉन वन अपॉन आर पी
है ना, टोटल डेट किस पे ना आरपी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आरपी अपॉन आरएस। तो यहाँ से बेटा हमारा एचएस अपॉन एचपी के बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आरपी अपॉन आरएस आ गई। और बेटा हम क्या जानते हैं हमारे आरपी की वैल्यू हमको कितनी की बने यहाँ पर, तो बेटा हमने अभी निकाला है आपका आरपी की वैल्यू आर की टर्म में आर बाय टू, आर बाय टू। और व्हाट इज वैल्यू वो आरएस, बेटा आरएस हमने निकाला है टू आर, है ना, तो आर से आर कैंसिल, तो बेटा यहाँ पर क्या बचा आपका वन बाय टू अपॉन टू। तो यहाँ से बेटा आपका एच एस और अपॉन एच पी का रेशियो क्या निकला आपका वन बाय फोर। तो इट मीन्स जो आपका हीटिंग इफेक्ट के बेटा क्या होगा रेशियो ऑफ द सीरीज टू पैरेलल बेटा क्या होगा वन बाय फोर। तो यहाँ बेटा आपका आंसर क्या निकला इसमें आपका ऑप्शन सी, तो बेटा ऑप्शन सी बेटा क्या आपका इसका करेक्ट आंसर है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी वन रेशो फोर, तो डेट इज योर आंसर। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपका अपलोड कर रहा हूँ सभी चैप्टर्स के लिए। तो फिजिक्स को बेटा आपको इंजॉय कीजिए, मस्त कीजिए बेटा, और फिजिक्स को है ना अपने लाइफ में उसको बेटा यूटिलाइज कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।